जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों मित्रों, आने वाले 24 घंटों में यानी कि दिनांक 20 जुलाई 2023 का दिन आखिर कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, कौन से शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे, कौन से अशुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी, क्या सावधानियां आपको बरतना पड़ेगी और किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा। मित्रों, वीडियो में समस्त बातें समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं। मित्रों, वीडियो बहुत खास होने वाली है। आइए सबसे पहले अगर हम नजर डालते हैं पंचांग पर, तो मित्रों 20 जुलाई को गुरुवार का वार है, साथ में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और मित्रों अश्लेषा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। वहीं सिद्धि नामक योग भी बन रहा है जो कि बड़ा ही सिद्ध योग है। मित्रों, अगर सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य तो वृषभ राशि में ही विराजमान रहेगा, तो वहीं दूसरी ओर चंद्रमा जो है मित्रों वह कर्क राशि पर संचार करेगा। तो अब ऐसे में अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त ग्रहों की चाल का एवं नक्षत्रों की चाल का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, हमारी इस छोटी सी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय एवं सिद्ध मंत्र लेकर आए हैं। साथ ही मित्रों, आपको बता देते हैं कि वीडियो की शुरुआत भी हम बहुत ही चमत्कारी उपाय से करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत कर देते हैं एक छोटे से चमत्कारी उपाय से। ध्यान से सुनिए मित्रों कि जो जातक गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं, महिलाएं यदि गुरुवार के दिन हल्दी मिला जल माँ तुलसी के पौधे में अर्पित करती है और हल्दी में गंगा जल मिलाकर परिवार के सदस्यों को तिलक लगाती है तो गुरु ग्रह मजबूत होता है और सुख समृद्धि यश और वैभव बढ़ता है और मित्रों अपार सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए इस उपाय को मित्रों आप अवश्य कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अब आपके 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की तरफ। तो मित्रों बता देते हैं कि यह समय बहुत शुभ चल रहा है। इस वक्त बेकार के विवादों से दूर रहने की सलाह आपको दी जाती है मित्रों, और इस वक्त मित्रों भाई बहनों का पूर्ण समर्पण आपको मिलेगा। आप जिन जिन लोगों से सहयोग की अपेक्षा रख रहे हैं उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति आपके साथ छल कर सकता है, कपट कर सकता है। मित्रों, जिस व्यक्ति पर आपने आंख मूंद के विश्वास किया था वही व्यक्ति आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। मित्रों, समय पूरी सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, आपका प्रबंधन सराहनीय रहेगा। सिर्फ भावुकता की बजाय अपनी बुद्धि बल और कार्य क्षमता का ज्यादा उपयोग करें। मित्रों बता देते हैं कि आपको भावुक बिल्कुल भी नहीं रहना है, क्योंकि कई बार आप भावुकता में आकर ही गलत निर्णय ले बैठते हैं जिस वजह से जीवन में दुखों का एहसास आपको होता है। अनुभवी लोगों के साथ समय व्यतीत करने से
आप अपने अंदर गजब का आत्मविश्वास महसूस करेंगे। मित्रों, अपार सुखों की प्राप्ति आपको होगी, क्योंकि आत्मविश्वास के बल पर ही आप कई चीज़ों को अपने पक्ष में कर पाएंगे और किसी भी परिस्थिति में तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें और समस्या का समाधान आपको मित्रों ढूंढना है। बड़े बुजुर्गों की सलाह अव आशीर्वाद पर अमल करना आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि मित्रों कहते हैं कि जिस घर में कोई ना कोई एक बड़ा बुजुर्ग रहता है उस घर में हमेशा खुशहाली निवास करती है। आपको जो अनुभवी एवं बड़े बुजुर्गों से मित्रों सहयोग मिल रहा है, उस सहयोग को अमल में जरूर लाएं, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया देख रखी है। वे जानते हैं कब कहाँ क्या हो सकता है। किसी करीबी व्यक्ति का रूखा बदलाव आपको थोड़ा सा विचलित कर सकता है। तो मित्रों, करीबी व्यक्तियों के ऐसे बर्ताव की वजह जाने और संयम रखने की आपको बहुत ज़रूरत है। कार्यस्थल पर स्टाफ के साथ तालमेल बनाकर रखें। कार्यस्थल पर मित्रों आपको बता देते हैं कि बहुत बढ़िया, आप अपनी छवि सुधार कर रखेंगे, जिसकी वजह से स्टाफ का भी साथ आपको मिलेगा और उनका योगदान व्यवसाय गतिविधियों को व्यवस्थित रखेगा। उधार लेन देन इस वक्त बिल्कुल भी नहीं करना है। उधार लेन देन करने से आपको बचना है मित्रों। हालांकि आपका व्यापारिक नज़रिया कार्य क्षेत्र में कई मामलों को सुलझाने में सक्षम रहेगा। और मित्रों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अधिकारियों में आपकी झड़प हो सकती है, कोई काम बिगड़ सकता है बना बनाया, और घर में रिश्तेदारों के आगमन से उत्सव पर माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नज़दीकियां बढ़ेगी और अपने खानपान और दिनचर्या के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। मित्रों, वर्तमान मौसम का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है, तो बता देते हैं कि स्वयं को तंदुरुस्त रखने के लिए सुबह डेली व्यायाम एवं योगा को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लें। जो जातक जिम जाते हैं तो उन जातकों को बता देते हैं कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करते वक्त शरीर का ध्यान रखें, नहीं तो कोई चोट लग सकती है या शरीर में मोच आ सकती है। तो आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय। ध्यान से सुनिए सोमवार का महा उपाय। हर महीने के प्रथम सोमवार को अपने इष्ट देव का ध्यान करके थोड़ी सी पीली सरसों को अपने ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाकर घर से बाहर फेंक दें। कितना भी बड़ा रोग हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, आपके आसपास भी नहीं आएगी। वहीं मित्रों, एक और छोटा सा उपाय यह है कि जो महिलाएं ससुराल का सुख चाहती है, मित्रों राहु ससुराल पक्ष का कारक है, ससुराल से बिगाड़ नहीं चलना चाहिए। सिर पर चोटी रखना, माथे पर चंदन का तिलक लगाना, भोजन कक्ष में ही भोजन करना राहु का उपाय है। घर में ठोस चांदी का हाथी भी रख सकते हैं। सरस्वती की आराधना करें, गुरु का उपाय करें। मित्रों, इन उपायों को करने से महिलाओं को ससुराल सुखों की प्राप्ति होती है। तो अब आप सभी को बता देते हैं कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो
तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मित्रों हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले राशिफल की वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों जय श्री महा।